हेलो दोस्तों, आइए मेरे चैनल सिविल ट्यूटोरियल नोटबुक पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या चीज़ होता है, उसके पॉइंट क्या क्या चीज़ होते हैं। तो दोस्तों मैं उसका हेडिंग बता देता हूँ और थोड़ा कुछ डिफाइन कर दूँगा ताकि आप लिख भी सकें। दोस्तों मैं हेडिंग तो मैं पूरा बता दूँगा, बाकी आप तो अगर डिफाइन जो छूट गया तो आप उसे बना के लिख भी सकते हैं। तो क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर का है, पहला है लीडरशिप, दूसरा है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का स्पेलिंग INITIATIVE, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पांचवा है सिंसियरिटी, छठवा है एनर्जेटिक, सातवां है डिसीजन और आठवां है कैपिटल। आठवां है क्वालिटीज प्रोडक्ट, नौवां एक्सपीरियंस स्पेलिंग FEXPERIENCE, दसवां है इंटेलिजेंस, दसवां है और एलेवेंथ है सेविंग हैबिट और ट्वेल्व है ह्यूमन बिहेवियर। इतने सारे पॉइंट हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब उसका डिफाइन थोड़ा देख लीजिए। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का लीडरशिप का डिफाइन है, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी लीडर इन द ट्रू सेंस, ही शुड हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप सच एज फेयरफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस। लीडरशिप की क्वालिटीज ये होते हैं, होना चाहिए कि आपके पास फेयरफुलनेस, आप डरे नहीं और कॉन्फिडेंस रहें और करेज रहें। इनिशिएटिव का डिफाइन है, एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव एन इनिशिएटिव एंड शुड बी अलर्ट टू द अपॉर्चुनिटीज, हमेशा अलर्ट होना चाहिए ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले तो उसके लिए अलर्ट हों। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, का डिफाइन है, ही शुड हैव एन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अंडरटेकिंग प्रॉपरली। दूसरा पॉइंट है, ही शुड हैव एबिलिटीज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो आप सॉल्व कर सकें। चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको समझ गए हों क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यही कि आपको आपके अंदर आप कोई काम करें तो आप पूरे मन से और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें। पांचवा है सिंसियरिटी का मतलब यही है कि देख लिया, एन एंटरप्रेन्योर शुड बी सिंसियर टू हिज ड्यूटी, आप अपने ड्यूटी के लिए बहुत सिंसियर होना और ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। और उसके बाद आता है छठवा है एनर्जेटिक, आप अपने काम में एनर्जी अगर रहेगा, आप लेजीपना आप पे नहीं, और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, लेजी होकर आप काम नहीं कर सकते। सातवा डिसीजन, कोई भी डिसीजन आप ले तो आप पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने उस पर डिसीजन पे। तो इसका थोड़ा डिफाइन है, एन एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी क्विक एंड केयरफुल मेकिंग डिसीजन, केयरफुल होना चाहिए आपके अपने डिसीजन पे, काम करवाएं तो मतलब एकदम सही रहे। कैपिटल मनी, कैपिटल जरूरी है, मनी कैपिटल इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। इसका डिफाइन है, मनी इज एन इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल एंड सफिशिएंट रनिंग फॉर अपन ऑर्गेनाइजेशन, पैसा बहुत ज़रूरी होता है कामयाब पाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अपने काम को चलाने के लिए। आठवां है क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो होता है आपकी क्वालिटी होना चाहिए, उसका थोड़ा डिफाइन मैं बता देता हूँ आपके लिए। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी, हिज प्रोडक्ट शुड बी रिकॉग्नाइजेशन एंड वैल्यू इन मार्केट। और उसका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का दूसरा पॉइंट है, इट शुड बी एफर्ट इन ऑर्डर एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद नौवां आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का डिफाइन है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव एक्सपीरियंस प्रॉपर रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट का डिफाइन है, ही शुड बी इंटेलिजेंट, इसका डिफाइन है, ही शुड सी प्रॉब्लम इन एडवाइस एंड मेकिंग एडवांस एंड मेक एफर्ट टू सॉल्व देम। ट्वेल्थ है करेज का है, ही शुड हैव करेज इन ऑर्डर टू फ्री प्रॉब्लम इन ऑल सिचुएशन, मतलब आप भी कोई ऑर्डर कोई भी सिचुएशन हो आप उसको सॉल्व कर सकें, अपने प्रॉब्लम को फेस कर सकें।
उसका एवकरेज का दूसरा पॉइंट है ही मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन हिमसेल्फ एंड ऑलवेज रेडी टू फेस वर्क इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए होंगे कि क्या है, बहुत आसान सा है, बस बता देता हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ इसका हिंदी में क्योंकि आप मतलब समझिए क्या है। अब दूसरा इसका पॉइंट बता रहा है कि आपको अपने आप कोई भी काम हो आप रिस्क लेना सीखना होगा, फेस करना पड़ेगा अपने काम को, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और 13 है सेविंग हैबिट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेविंग हैबिट का है एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव हैबिट इशू से मनी इन ऑर्डर टू फेस प्रॉब्लम इन लीन डेज इन बिजनेस एंड टू एक्सपर्ट इन एंटरप्रेन्योर। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ह्यूमन बिहेवियर, आपका ये ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर का, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर का ह्यूमन बिहेवियर का बताया है कि एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव टू पॉजिटिव एंड फ्रेंडली बिहेवियर कॉलेजेस एंड वर्कर्स। मतलब ह्यूमन बिहेवियर मतलब यही होगा कि आपको जो वर्कर हैं काम करने वाले वहाँ पर जो आपके साइड पर काम करेंगे उनसे आपको फ्रेंडली बिहेवियर रहना पड़ेगा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों यही है हमारा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर कि मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं। पहला है लीडरशिप, दूसरा है इनिशिएटिव, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पाँचवा है सिंसियरिटी, छठवां है इनिशिएटिव और सातवां है डिसीजन, आठवां है कैपिटल और क्वालिटी प्रोडक्ट और नौवां इंटेलिजेंट और दसवां है करेज, उसके बाद सेविंग हैबिट और फिर ह्यूमन बिहेवियर। ये सारे पॉइंट हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।